बॉलीवुड के भाईजान की फिल्म भारत ने ईद के मौके पर बम्पर ओपनिंग की है। भारत ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई करते हुए 42 करोड़ की कमाई की है। पिछले कुछ सालों से ईद के मौके को ब्लॉकबस्टर फिल्मों के कॉन्सेप्ट में बदलने वाले सलमान ने अगले साल की ईद की तैयारी भी कर ली है। संजय लीला भंसाली की फिल्म खामोशी में दिखने वाले सलमान खान अब उनकी लेटेस्ट फिल्म में नजर आएंगे। आलिया भट्ट और सलमान स्टारर ये फिल्म अगले साल ईद के मौके पर रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के साथ ही सलमान और संजय लीला भंसाली 20 साल बाद वापसी करेंगे। इससे पहले दोनों ने फिल्म हम दिल दे चुके सनम में एक साथ काम किया था। 1999 में रिलीज हुई इस ब्लॉकबस्टर फिल्म में सलमान के अलावा ऐश्वर्या राय और अजय देवगन भी अहम भूमिकाओं में थे। हालांकि सलमान ने इसके बाद भी भंसाली की फिल्म सावरिया में कैमियो किया था। रणबीर कपूर और सोनम कपूर की डेब्यू फिल्म सावरिया बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास जलवा नहीं दिखा पाई थी। हालांकि संजय और सलमान का ये बॉन्ड कुछ सालों बाद बिगड़ने लगा था। सलमान ने भंसाली की फिल्म गुजारिश की भी आलोचना की थी। सलमान ने कई सालों बाद भंसाली के साथ काम करने को लेकर कहा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्द शुरू होगी, मजा आएगा और लड़ाइयां भी होंगी क्योंकि मैं और संजय उस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं। भंसाली ने एक इंटरव्यू में सलमान के साथ हुए विवाद के बारे में भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमारे बीच कुछ मुद्दे रहे हैं, लेकिन जब भी हम मिलते हैं तो गर्मजोशी के साथ ही मिलते हैं। मैं सलमान को काफी पसंद करता हूं और सलमान अगर आपके लिए दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं तो अगर आप उनसे 5 साल भी ना मिले तो वो भी आपके लिए इंतजार करते हैं। उन्होंने मुझे कभी ऐसा नहीं कहा कि उन्हें मेरी फिल्म का कोई शॉट, कोई सॉन्ग या कोई फिल्म पसंद आई है, लेकिन सलमान खान हमेशा मेरी फिल्मों की तारीफ दूसरों से करते हैं जबकि उन्हें ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है। आपको बता दें कि फिल्म इंशाल्लाह साल 2020 में ईद के मौके पर रिलीज होगी। इस फिल्म में पहली बार सलमान खान के साथ आलिया भट्ट की जोड़ी दिखाई देगी। जब इस फिल्म के लिए आलिया को साइन किया गया था तब सोशल मीडिया पर इस जोड़ी की काफी ट्रोलिंग भी हुई थी। वजह थी सलमान और आलिया के बीच का एज डिफरेंस, जिसके चलते लोगों ने सलमान और आलिया को ट्रोल करना शुरू कर दिया था। लेकिन बाद में आलिया ने इस पर अपनी सफाई भी दी थी। आलिया का कहना था कि इस फिल्म की कहानी की डिमांड ही ऐसी है जिसकी वजह से मुझे साइन किया गया है। वहीं अगर बात की जाए आलिया की आने वाली फिल्मों की तो आलिया जल्द ही अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र में नजर आएंगी, जिसमें आलिया अपने र्यूमर्ड बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर के साथ नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में रणबीर आलिया के अलावा अमिताभ बच्चन भी अहम किरदार में नजर आएंगे और ये फिल्म इसी साल 20 दिसंबर को रिलीज होगी।